जय हिंद दोस्तों, इकोनॉमिक्स क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर आप बोर्ड पर क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, तो कुछ निजी कारणों से मैं अभी बोर्ड पर पढ़ाई नहीं करवा पा रहा हूँ। तो इसी कारण से आज हम फिर बुक से पढ़ने वाले हैं और एक नया अध्याय आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में मूल्य का निर्धारण किस प्रकार से होता है, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए समझते हैं, आपकी जो पुस्तक है उसी में से मैंने ये पॉइंट लिए हुए हैं ताकि आपको भी आसानी हो जाए और नोट्स बनाने में भी आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। चलिए तो शुरू करते हैं और समझते हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में मूल्य का निर्धारण किस प्रकार से होता है। यहाँ पर मूल्य का निर्धारण है, यहाँ पर पूछ लिया जा सकता है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत का निर्धारण किस प्रकार से होता है। तो दोनों एक ही बात है, चाहे मूल्य का निर्धारण पूछा जाए या फिर कीमत का निर्धारण पूछा जाए, एक ही आंसर इसका होता है। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो अर्थशास्त्री हैं उनके भिन्न भिन्न मत हैं। कुछ अर्थशास्त्री इसको लागत के आधार पर मूल्य का निर्धारण करते हैं और कुछ अर्थशास्त्री इसकी उपयोगिता पर मूल्य का निर्धारण करते हैं। तो देखिए, हम उत्पादन लागत भी समझ चुके हैं और उपयोगिता भी समझ चुके हैं, दोनों ही लेसन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो उन्हीं के बेसिस पर मूल्य का निर्धारण किस प्रकार से होता है, ये आज हम समझेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें एडम स्मिथ तथा रिकॉर्डो, ये दोनों ही अर्थशास्त्री हैं। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। तो ये दोनों क्या कहते हैं कि वस्तु की कीमत या मूल्य उसकी उत्पादन लागत के द्वारा निर्धारित होता है। मतलब जितनी भी उसमें लागत लगती है उसकी लागत को जोड़ा जाता है, प्रत्येक वस्तु की कितनी लागत आ रही है, और उसमें कुछ लाभ जोड़ा जाता है उत्पादक के द्वारा और मूल्य का निर्धारण होता है। इसके विपरीत, मतलब ये उत्पादन लागत पर मूल्य का निर्धारण कर रहे हैं, और दो अर्थशास्त्री और हैं, बॉलरस तथा जेविंस। ये दोनों क्या कहते हैं, वस्तु का मूल्य उसकी जो उपयोगिता है, जो उसमें निहित रहती है, उपयोगिता के द्वारा उसका निर्धारण होता है। ये कहते हैं कि जो उपभोक्ता रहता है, जो वस्तु को क्रय करता है, वह उसका उतना ही मूल्य चुकाता है जितना कि उसको उस वस्तु में निहित उपयोगिता प्राप्त होती है। तो उपयोगिता के आधार पर वस्तु का मूल्य का निर्धारण किस प्रकार से होता है, दोनों बातों को समझने के लिए, दोनों में जो भिन्नता पाई गई है उसको दूर करने के लिए, या हम ये कह सकते हैं कि दोनों के जो मत हैं, दोनों के जो विचार हैं, दोनों के विचारों में जो विरोधाभास है उसको दूर करने के लिए मार्शल ने अपना एक दूसरा विचार प्रस्तुत किया है, जिसमें कि एडम स्मिथ का, बॉलरस का, इन दोनों का जो मत है, दोनों के विचारों में एक सहयोग स्थापित किया है। सहयोग मतलब कि दोनों का ही विचार इसमें सम्मिलित कर लिया है। अब मार्शल क्या कह देते हैं कि वस्तु की कीमत या मूल्य का जो निर्धारण होता है, वस्तु की जो लागत होती है प्लस वस्तु में निहित जो उपयोगिता होती है, दोनों को जोड़कर ही वस्तु की कीमत निर्धारित होती है या वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। तो क्वेश्चन देखिए, जैसा कि परीक्षा में पूछा जाता है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में मूल्य का निर्धारण किस प्रकार से होता है, तो ये सारी बातें हम लिखते हैं तो हमारा जो आंसर होता है वो एक अच्छा आंसर बन जाता है, जिससे कि हमें मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। हमें बस कुछ नहीं करना है, मुख्य बिंदु जो है दोनों के विचारों के, वो याद रख लेना है और उसी प्रकार से लिख देना है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में मूल्य का निर्धारण करने के संबंध में कई अर्थशास्त्रियों के अलग अलग विचार अर्थशास्त्र में दिए गए हैं। जैसे कि एडम स्मिथ तथा रिकार्डो के विचार के अनुसार वस्तु की जो कीमत है या उसका जो मूल्य है, उत्पादन लागत के द्वारा निर्धारित होती है, और इसके विपरीत बॉलरस तथा जेविंस कहते हैं कि वस्तु का जो मूल्य है, वस्तु में जो निहित उपयोगिता है उसके आधार पर होता है। अब इन दोनों में जो विरोधाभास था उसको दूर करने के लिए मार्शल क्या कहते हैं कि वस्तु की कीमत या मूल्य का निर्धारण वस्तु की लागत प्लस वस्तु में निहित उपयोगिता के द्वारा होता है। ठीक है, ये तो एक हमारा परिचय हो गया, जिसे हम एक सेंटेंस में भी लिख सकते हैं या फिर इस प्रकार से पॉइंट भी बनाकर हम इसका लिख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम समझ लें साम्य कीमत। साम्य कीमत मतलब कि मूल या फिर कीमत, इसी को हम साम्य कीमत कह रहे हैं। साम्य कीमत मतलब कि एक संतुलन, जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं कि उत्पादक का संतुलन या उपभोक्ता का संतुलन। जैसे हमने समझ लिया है पहले कि उपभोक्ता का संतुलन की स्थिति में होता है, जब उसको वस्तु की उपयोगिता जो मिलती है उसमें हमने पढ़ा हुआ है पहले कि जो सीमांत उपयोगिता मिलती है, सीमांत उपयोगिता
के बराबर मूल्य वह देने के लिए तैयार रहता है, तो वहां पर जो उपभोक्ता रहता है वो संतुलन की स्थिति में रहता है। और इसके विपरीत यदि हम उत्पादक का देखें तो उत्पादक जो अंतिम इकाई में उसकी लागत आती है, अंतिम इकाई में मतलब कि सीमांत लागत, अब सीमांत लागत के बराबर तक तो वह वस्तु को बेचने के लिए तैयार रहता है, लेकिन उससे कम कीमत मिलती है तो फिर उसे हानि होने लगती है, इसलिए वह नहीं बेचता। मतलब कि वस्तु की कीमत का निर्धारण कहाँ तक करने के लिए तैयार रहता है वह, जहाँ तक कि जो सीमांत लागत है उसकी वह उसके बराबर नहीं हो जाती, वहाँ तक वह वस्तु की कीमत का निर्धारण कर सकता है। तो साम्य की जो साम्य कीमत है या जो साम्य मूल्य है, बस उसी बिंदु को हमें ध्यान रखना है कि उत्पादक कहाँ तक वस्तु को बेचने के लिए तैयार रहता है, किस कीमत तक वस्तु को बेचने के लिए तैयार रहता है, और उपभोक्ता किस कीमत तक वस्तु को खरीदने के लिए तैयार रहता है। अब देखिए जैसे हम इसमें पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है, मैंने एक छोटा सा पॉइंट लिखा है उसी से हमें समझ में आ जाएगा। साम्य कीमत वह कीमत है जिस पर कि वस्तु की मात्रा जो कि विक्रेता बेचने को इच्छुक है उस मात्रा के बराबर होती है जो क्रेता खरीदना चाहते हैं। यह कीमत है जो कि बाजार को साफ कर देती है, बाजार को साफ कर देती है मतलब कि फिर बाजार का कोई अस्तित्व नहीं रहता। जब हम जैसे मान के चलिए हम बाजार जाते हैं और कोई वस्तु खरीदते हैं तो जो विक्रेता रहता है वह हमें एक कीमत बताता है, मान के चलिए 100 रुपये किसी वस्तु की कीमत हमें बताई जा रही है। अब 100 रुपये में यदि हम उस वस्तु को नहीं खरीदना चाहते हैं मतलब कि हमें उससे जो उपयोगिता मिल रही है मान के चलिए 80 रुपये की मिल रही है, और 80 रुपये की मिल रही है, हम चाहते हैं कि हमें 70 रुपये में वह प्राप्त हो जाए, हम कम ही देना चाहेंगे। जो उपभोक्ता रहता है वह हमेशा कम कीमत देना चाहता है, और जो उत्पादक रहता है वह हमेशा अधिक कीमत लेना चाहता है, क्योंकि उसको लाभ चाहिए और हमें उपयोगिता चाहिए। अब हम जैसे ही मार्केट जाएंगे और क्या करेंगे, फिर मोल भाव करते हैं। मोल भाव करते हैं मतलब कि हमें जितनी उपयोगिता लगती है कि इस वस्तु की कीमत इतनी होनी चाहिए, हमें इसकी इतनी उपयोगिता है तो हम वही कीमत देने के लिए तैयार रहते हैं। जैसे मान के चलिए हम बाज़ार में जाते हैं, हमें किसी वस्तु की कीमत जो है भाई 100 रुपये, मान के चलिए एक्स वस्तु है उसकी कीमत 100 रुपये बताई जा रही है, हमें लगता है कि 80 रुपये तक ये मैं ले सकता हूँ, तो मैं क्या करूँगा उसके बताऊँगा कि मैं 70 रुपये दूँगा, यदि आप लेना चाहो तो ले लो, देना चाहो तो मुझे ये वस्तु दे दो। उत्पादक कहेगा कि नहीं भाई, 100 रुपये से मैं 10 रुपये और कम कर दूंगा, 90 रुपये कर सकता हूँ, इससे कम नहीं दे पाऊँगा। हम और मोल भाव करते हैं और कहेंगे कि ठीक है, मैं 70 रुपये से 80 रुपये से 1 रुपये ज़्यादा भी नहीं दूंगा। अब यदि उत्पादक की लागत 80 रुपये तक है तो वो सोचेगा कि ठीक है, 80 रुपये मेरी जो लागत है वो निकल के आ जाएगी, 80 रुपये में वह देने के लिए तैयार हो जाता है, इधर से हम 80 रुपये में ख़रीदने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ क्या हो गया है, ये जो हमारी उपयोगिता है वो किसके बराबर हो गई है, लागत के, मतलब सीमांत लागत और सीमांत उपयोगिता दोनों क्या हो गई हैं, बराबर हो गई हैं। तो ये जो स्थिति है यहाँ पर निकल के हमारी आ जाएगी। अब यही चीज़ यहाँ पर समझाई हुई है, देखिए साम्य कीमत वह कीमत है जिस पर कि वस्तु की मात्रा जो कि विक्रेता बेचने को इच्छुक है। अब यहाँ पर पहले वह इच्छुक था लेकिन बाद में कहाँ पर इच्छुक हो गया है, 80 रुपये पर, उस मात्रा के बराबर होती है जो कि क्रेता खरीदना चाहता है। हम कहाँ पर खरीदना चाह रहे हैं, 80 रुपये पर। तो यहाँ से जो बाज़ार की कीमत थी 100 रुपये, ये पूरी तरह तरीके से क्या हो गई है, साफ़ हो गई है। तो ये वह कीमत होती है जो कि बाज़ार को साफ कर देती है, बाज़ार का इसमें कोई काम नहीं रहता है। ठीक है, इतना समझ लिया हमने, तो हम क्या समझ गए हैं कि साम्य कीमत क्या होती है, जहाँ पर वस्तु की लागत और वस्तु की उपयोगिता बराबर हो जाती है, जो विक्रय के लिए फिर दोनों पक्ष तैयार हो जाते हैं, क्रेता खरीदने के लिए तैयार हो जाता है और विक्रेता बेचने के लिए तैयार हो जाता है, तो वह साम्य कीमत हो जाती है। अब यदि हम इसको देखा, जो हमने इसको समझ लिया है, तो यहाँ पर हमें दो चीज़ निकल के आती हैं, एक तो मांग शक्ति और दूसरी पूर्ति शक्ति। यदि उत्पादक पूर्ति करने के लिए तैयार हो जाता है और क्रेता खरीदने के लिए तैयार होता है, तो यहाँ पर क्रेता की हो जाती है मांग शक्ति और उत्पादक की हो जाती है पूर्ति शक्ति, या विक्रेता की हो जाती है पूर्ति शक्ति, क्योंकि वह पूर्ति करने के लिए तैयार हो गया है। अब मांग शक्ति की यदि हम चर्चा करें तो देखिए मांग हम आसानी से पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, उसमें हमने ये सब कुछ समझ लिया है कि मांग क्या होती है, मांग का नियम भी पढ़ लिया है। मांग का नियम क्या कहता है कि वस्तु की कीमत अधिक होगी तो मांग कम होगी,
और वस्तु की कीमत कम होती जाएगी तो मांग जो है वह बढ़ती जाएगी। तो मांग का नियम यही कहता है और मांग शक्ति भी यही पर यही है। अब मांग शक्ति का यहाँ स्वरूप क्या दिया है कि जो उपभोक्ता है, जो क्रेता है, वह खर्च करने के लिए तैयार है। अंतिम इकाई से जो उपयोगिता उसे मिलती है वहाँ तक वह खर्च करने के लिए तैयार होता है, उसी को मांग शक्ति कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर मांग का नियम भी ध्यान रखना है। तो यही मांग शक्ति होती है कि वहाँ तक वह देने के लिए तैयार रहता है जहाँ तक उसको उपयोगिता मिलती है। पहले भी हमने जो संतुलन पड़ा हुआ है, उपभोक्ता का संतुलन पड़ा हुआ है, उसमें हमने समझा है कि उत्पादक कहाँ तक खर्च करना चाहता है। दो वस्तु के संदर्भ में समझा, एक वस्तु के संदर्भ में समझा, ये सब हम आसानी से समझ चुके हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब पूर्ति शक्ति की बात करें तो पूर्ति शक्ति किसकी होती है? विक्रेता की। विक्रेता कहाँ तक विक्रय करने के लिए तैयार है? विक्रेता कहाँ पर बेचने के लिए तैयार होगा? अंतिम इकाई पर जो उसकी लागत मिलती है। जैसे मान के चलिए अंतिम इकाई, जैसे क्या पड़ा हुआ था, अंतिम इकाई जैसे कि एक इकाई का उत्पादन करता है तो 10 रुपये उसका खर्च आता है, दो इकाइयों का उत्पादन करता है तो उसका खर्च कम हो जाएगा, मान के चलिए 15-18 रुपये हो जाता है, और तीन इकाइयों पर उसका फिर से घटकर 16 रुपये हो जाता है। ये खर्च उसका घटता जाता है जैसे वह प्रोडक्शन बढ़ाता है। अब अंतिम इकाई, एक इकाई के बढ़ाने पर कितना खर्च उसको आ रहा है, जैसे यहाँ पर हम माइनस करके देखेंगे तो 2 रुपये निकल के आएगा, 2 रुपये निकल के आएगा। और इसको यदि टोटल करते जाएंगे तो ये तो निकल के आ रहा है सीमांत, इसका टोटल करेंगे तो जैसे पहले में 10 आया, दूसरे का 28 आया, तीसरे का 16 और जुड़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 × 3 = 44 रुपये। अब यहाँ पर यदि हम देखें तो ये क्या, ये हमारा आ रहा है टोटल लागत। टोटल लागत मतलब कि टोटल खर्च यानी TC, और ये यहाँ पर जैसे हम माइनस करके देखेंगे तो यहाँ पर निकल के आएगा मार्जिनल कॉस्ट, एक व्यक्ति मतलब एक अतिरिक्त इकाई बढ़ाने पर। तो मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, अगली इकाई में से पिछली इकाई को माइनस कर देंगे, तो 44 में से माइनस करेंगे यदि हम 28 को कितना निकल के आएगा, 16। तो इस प्रकार से हम निकालते हैं जो है मार्जिनल कॉस्ट निकालते हैं। ठीक है, अब एक वस्तु के निर्माण के, एक अतिरिक्त वस्तु के निर्माण में जितना खर्च आता है उस कीमत पर यदि उपभोक्ता बेचने के लिए तैयार हो जाता है और वही कीमत हम देना चाहते हैं तो वहाँ पर हो जाता है साम्य का बिंदु स्थापित। ठीक है, ये इसका समझाने का यहाँ पर है। अब साम्य मूल्य का निर्धारण कैसे होता है, जो हमने यहाँ पर समझ लिया है, वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहाँ पर कि वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा तथा वस्तु की पूर्ति की मात्रा आपस में क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया, यही इसका मुख्य क्या है, आधार है या इसका कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट सीधा सीधा क्या है कि जैसे ही हम बाज़ार जाते हैं, बाज़ार जाकर क्या करते हैं, जैसे कि हम देखिए पुस्तक में क्या दिया हुआ है, जैसे हम बाज़ार में जाएंगे तो आपस में वहाँ पर क्या किया जाता है, एक प्रकार से मोल भाव किया जाता है। मोल भाव मतलब कि उपभोक्ता वस्तु की कीमत उसकी सीमांत उपयोगिता से अधिक देगा तथा उत्पादक जो है वस्तु की कीमत उसकी सीमांत लागत से कम नहीं लेगा, अतः वस्तु की कीमत इन दोनों सीमाओं के बीच क्या हो जाती है, निर्धारित हो जाती है। प्रत्येक क्रेता इस बात का प्रयास करता है कि उसे वस्तु की जो कीमत है कम से कम प्राप्त हो, कम से कम कीमत उसको चुकानी पड़े, और जो उत्पादक है वह क्या प्रयास करता है कि उसे वस्तु की अधिक से अधिक कीमत प्राप्त हो ताकि उसको लाभ हो। ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, क्रेता और जो विक्रेता होते हैं वो आपस में सौदेबाजी करते रहते हैं तथा मांग और पूर्ति की जो शक्तियाँ हैं, देखिए मांग शक्ति किसकी है, उपभोक्ता की यानी क्रेता की, और पूर्ति शक्ति किसकी हुई, विक्रेता की या फिर उत्पादक की, ये दोनों आपस में विपरीत दिशा में काम करते हैं। उत्पादक अधिक कीमत चाहता है और जो क्रेता है वह कम कीमत चाहता है। इस प्रकार से भी और उस जगह पर क्या हो जाता है, साम्य बंधु निर्धारित हो जाता है जहाँ पर कि दोनों की जो मात्रा है वह बराबर हो जाती है, पूर्ति की मात्रा और मांग की मात्रा जब बराबर हो जाएगी तो वहाँ पर साम्य का बिंदु निर्धारित हो जाता है। चलिए अब इसको हम चित्र द्वारा समझ लेते हैं तो और आसानी से हमें समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम, ये हमारा एक्स एक्सिस है, यहाँ पर हम लेंगे वस्तु की कीमत, तो यहाँ पर कीमत कर लेते हैं, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पर देखिए हम मांग और पूर्ति दोनों को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो दोनों का ही हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, दोनों के ही द्वारा क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर साम्य का बिंदु स्थापित कर रहे हैं। अब यदि हम देखें तो एक प्रकार से जब हमने मांग वक्र पढ़ा तो मांग वक्र किस प्रकार का बनता है,
इस प्रकार से मांग वक्र बनता है, बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ। इसका कॉन्सेप्ट क्या रहता है कि देखिए, इधर से हम जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो इधर कीमत क्या रहेगी, अधिक रहेगी, ऊपर की तरफ जा रही है और नीचे की तरफ कीमत जीरो की तरफ आएगी, और इधर जाएंगे तो मांग और पूर्ति दोनों बढ़ रही है। अब ये मांग वक्र जैसे हमने बनाया है तो मांग वक्र ऐसा ही बनता है, बाएं से दाएं गिरता हुआ। क्यों बनता है कि देखिए, यहाँ पर जैसे कीमत यहाँ पर है तो ये अधिक कीमत है, तो अधिक कीमत पर जो मांग है वह कैसी हो रही है, कम हो रही है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर यहाँ तक बढ़ गया है, तो बढ़ गया है, और इसको पॉइंट को यहाँ मिलाएंगे तो कीमत नीचे आ गई है लेकिन मांग बढ़ गई है। तो इस प्रकार से ग्राफ बन जाता है मांग वक्र। अब दूसरा हम कॉन्सेप्ट समझें पूर्ति का, तो पूर्ति का ग्राफ हमारा इस प्रकार से बनता है। तो ये क्या हो गया है हमारा, सप्लाई वक्र। ठीक है, अब यदि हम देखें तो इस बिंदु पर, ये बिंदु क्या है हमारा, ई बिंदु है, हमने नाम दे दिया है एक ई बिंदु। इस बिंदु पर हम क्या देखते हैं कि मांग और पूर्ति दोनों क्या हो गई हैं, बराबर हो गई हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, साम्य बिंदु हो जाएगा, या फिर हम ये कहें कि साम्य कीमत हो जाएगी, साम्य मूल्य हो जाएगा, या फिर कीमत भी कह सकते हैं, मूल्य भी कह सकते हैं। तो ये कहाँ पर होगा, इस बिंदु पर होगा जहाँ पर कि मांग और पूर्ति दोनों बराबर होंगी। चलिए अब स्थिति देख लें, तो मतलब इस बिंदु को यदि हम यहाँ से मिलाते हैं तो यहाँ पर Q पूर्ति हो रही है और P एक कीमत है जिस पर साम्य बिंदु निकल के आया है। अब यदि हम कीमत को बढ़ा दें थोड़ा सा, इधर कर दें, P बन कर देते हैं तो मांग कहाँ तक है, यहाँ तक है, उसके बाद मांग गिरने लगी है। अब उपभोक्ता जो पूर्ति यहाँ तक कर रहा है, तो इतना जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये क्या दिखाता है हमें, पूर्ति का आधिक्य। यहाँ पर पूर्ति अधिक हो रही है लेकिन मांग कम है, ठीक है। तो ये हो जाएगा पूर्ति का आधिक्य। और यहाँ हम देखें जैसे कि, और कीमत हम कम कर देते हैं जैसे कि P2 कर देते हैं, तो P2 पर क्या हो जाता है कि मांग तो बढ़ जाएगी। देखिए, पहले मांग यहाँ पर हो रही थी, यहाँ से यहाँ तक बढ़ गई है, तो मांग बढ़ जाएगी, लेकिन उत्पादक जो है पूर्ति करेगा क्या, नहीं करेगा। पूर्ति यहाँ पर है जबकि मांग कहाँ पर है, यहाँ तक है, ये यहाँ तक मांग हो रही है और पूर्ति यहाँ हो रही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मांग का आधिक्य, यहाँ पर मांग ज़्यादा है, मतलब कि मांग अधिक है और पूर्ति कम है, तो इस स्थिति को मांग आधिक्य। तो इस प्रकार से हम चित्र बना देंगे। अब देखिए, हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है, ये हमारा पूरा ग्राफ बनकर तैयार हो गया है। अब यहाँ पर बस हमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिखना है, क्या लिख देना है, एक विवरण कर देना है कि भाई यहाँ पर किस प्रकार से हम इसकी व्याख्या कर रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, उपर्युक्त चित्र में, ऊपर जो हमने चित्र दिखाया है इसकी यदि हम व्याख्या करें, तो SS क्या है हमारा, ये है पूर्ति वक्र है, और DD जो है ये SS पूर्ति वक्र हो गया, और मांग वक्र कौन सा है जिसे हमने DD के द्वारा प्रेजेंट किया है, तो ये हो गया हमारा DD यानी मांग वक्र। अब इन दोनों की जहाँ मिल रहे हैं, यानी कि PE बराबर हो रहे हैं EQ, तो ये क्या हो गया हमारा, साम्य का बिंदु हो गया है, ठीक है। यहाँ पर कीमत निर्धारण कर सकते हैं, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो मोल भाव करने के बाद जो कीमत निर्धारित हुई है, जो 80 रुपये हमने यहाँ पर निर्धारित की थी, ये जो 80 रुपये है वो यहाँ पर निकल के आ गया है, इसी को हम बोलते हैं साम्य बिंदु, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए, परीक्षा में हमें किस प्रकार से लिखना है, जैसा कि हमने शुरू से ये समझ लिया है, शुरू से क्या समझा है, पहले थोड़ा सा हमें इंट्रोडक्शन देना है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में मूल्य का निर्धारण किस प्रकार से होता है, एडम स्मिथ तथा रिकार्डो का मत क्या है कि उत्पादन लागत के द्वारा होता है, बॉलरस तथा जेबिन्स का मत क्या है कि वस्तु में निहित उपयोगिता के द्वारा मूल्य का निर्धारण होता है,
तो मार्शल ने दोनों के बीच का रास्ता निकाला, दोनों के जो विचार थे दोनों के विचारों को जोड़ा और क्या कह दिया कि वस्तु की कीमत या मूल्य का निर्धारण पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु की लागत तथा वस्तु की उपयोगिता के द्वारा ही होता है। उन्होंने एक उदाहरण भी दिया हुआ है कि किसी कागज़ को यदि हमें काटना है तो कैंची के एक फल से हम उसको नहीं काट सकते, दोनों फलों की ज़रूरत हमें पड़ेगी। तो इसी प्रकार से यहाँ वस्तु की लागत तथा वस्तु की उपयोगिता दोनों की ज़रूरत हमें पड़ती है। एक परिभाषा हम याद कर लेंगे, जो पुस्तक में आपकी परिभाषा दी हुई है उसको भी हम याद कर सकते हैं, और एक थोड़ा सा विवरण हम देंगे मांग शक्ति का कि मांग शक्ति क्या होती है, कि जो उपभोक्ता होता है वह अपनी सीमांत उपयोगिता पर जितना खर्च करने के लिए तैयार होता है उसको मांग शक्ति कहते हैं। यहाँ पर अब हम मांग का नियम भी जोड़ सकते हैं कि मांग का नियम क्या बताता है कि वस्तु की कीमत अधिक रहती है तो मांग कम की जाती है, और वस्तु की जो कीमत है वह घटती जाती है तो मांग बढ़ती जाती है। इसके विपरीत पूर्ति शक्ति होती है, जो कि उत्पादक रहता है या विक्रेता रहता है वह अपनी वस्तु की कीमत जो है अधिक चाहता है क्योंकि उससे अधिक लाभ करना होता है। तो जब कीमत अधिक होती है तो वह पूर्ति अधिक करता है। अब जैसे देखिए यहाँ पर जैसे चित्र में हमने समझा है, यहाँ पर कीमत अधिक है तो पूर्ति कितनी ज़्यादा हो रही है, पूर्ति का अधिक है, लेकिन कीमत यहाँ पर कम है तो पूर्ति कम हो रही है, ये स्थिति यहाँ पर निकल के आती है, इसी को हम पूर्ति शक्ति कहते हैं। तो साम्य मूल्य का निर्धारण किस प्रकार से होता है, उपभोक्ता वस्तु की जो कीमत है उसकी सीमांत उपयोगिता से अधिक नहीं देता है, ठीक है, जितनी की उसको उपयोगिता लगेगी उससे अधिक नहीं देगा। जैसे कि हमने यहाँ पर समझा हुआ था कि भाई मैं 80 रुपये देना चाहता हूँ, 80 रुपये की मुझे उपयोगिता है, इससे 1 रुपये ज़्यादा नहीं दूंगा, लेकिन जो उत्पादक है वस्तु की कीमत उसकी सीमांत लागत से कम नहीं लेता है। अब वो सोचता है कि मेरी 80 रुपये तो लागत है, 80 रुपये तक तो मैं बेच सकता हूँ, ठीक है, लेकिन इससे कम मैं नहीं दूंगा। जैसे 70 रुपये का हमने बोला था कि 70 रुपये दे रहा हूँ तो 70 रुपये में देने के लिए तैयार नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों में एक विपरीत स्थिति बनती है, क्रेता और विक्रेता आपस में सौदेबाजी करते हैं, तो वहाँ पर मूल्य का निर्धारण हो जाता है जहाँ पर कि वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा तथा वस्तु की पूर्ति क्या हो जाती है, आपस में बराबर हो जाती है, ठीक है। ये जो स्थिति हमने समझी हुई कि साम्य का मूल्य निर्धारण, ये एक लाइन हम वहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद हम चित्र के द्वारा किस प्रकार से व्याख्या करेंगे, तो इस प्रकार से चित्र बनाएंगे, एक डिमांड ड्राफ्ट हमें खींचना है, एक सप्लाई वक्र हमें खींचना है, उसके बाद जो साम्य बिंदु है उसको दिखा देना है। तो ये हमारा हो गया है पूरा, ठीक है। ऊपर जो हमें दिखाना है वहाँ अतिरिक्त पूर्ति या फिर पूर्ति का अधिक, क्योंकि कीमत अधिक पर अधिक पूर्ति होती है और कीमत कम पर कम पूर्ति होती है, लेकिन मांग कहाँ अधिक होती है, जहाँ पर कीमत कम होती है। यही हम डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे तो हमारा आंसर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, अगले सेशन में हम पढ़ेंगे साम्य कीमत पर मांग व पूर्ति के परिवर्तन का किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।